में हुए टोल प्लाजा तोड़फोड़ मामले पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने बयान में कहा है कि राज ठाकरे से जुर्माना वसूला जाएगा। अगर राज ठाकरे ने हर्जाना नहीं दिया तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के ऐलान के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में टोल नाकों पर तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि बाद में राज ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की मुलाकात के बाद टोल नीति में बदलाव के संकेत दिए गए थे, लेकिन अब उनसे जुर्माना वसूलने की तैयारी है, हर्जाना वसूलने की तैयारी में है महाराष्ट्र। आर आर पाटिल ने इस बात के संकेत दिए हैं। राज ठाकरे जो कि अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए कई बार नाम हो चुके हैं, उन पर आरोप लगता रहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति के जरिए अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। खासतौर पर टोल नाका मामले को शिवसेना ने उठाया था, लेकिन उस पर बढ़त बनाने के लिए राज ठाकरे ने जमकर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ मचवाई थी। कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था उनका बयान, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को हंगामा करने की के लिए उकसाया था। और अब महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने यह संकेत दिए हैं कि राज ठाकरे से हर्जाना वसूला जा सकता है। एक ही आंदोलन में नहीं, महाराष्ट्र में जितने भी आंदोलन है हुए हैं और उनमें सार्वजनिक मालमत्ता का नुकसान हुआ है, वो सभी जिसका आंदोलन था उससे वसूल रिकवर किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। जुर्माना तो देने के लिए कोई तैयार नहीं होते, वो वसूल करना पड़ता है, हम रिकवर करेंगे। उसके लिए और तरीके हैं, कानून है, कानून के मुताबिक हम अधिक की कार्रवाई करेंगे। लाइव इंडिया संवाददाता सोमदत्त शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमदत्त, कुछ दिनों पहले पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात हुई थी राज ठाकरे।